फोन का प्राइस कितना है? इतना है भैया? हाँ बेचने वाला नहीं तो दिखा के क्यों रखा है? पूछ रहा हूँ तो बताना चाहिए ना। क्या आप क्या हम है क्या कहीं और से सोच रहे हो क्या? बहुत गुस्सा दिला दिया साले ने, साला जो है वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। 14 प्रो मैक्स ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है प्राइस आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये में। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है मुंबई में मेरा आखिरी दिन है, आज रात के 10 बजे का फ्लाइट है मेरा, तो यहाँ से निकलूंगा और ये रूम पे जो है रूम पे भी आखिरी समय है, अभी 10 बजे को छोड़ना पड़ेगा। अभी 9 बज चुके हैं तो 1 घंटे का टाइम है अपने पास, तो इसलिए पूरा पैकिंग वगैरह कर लिया मैंने बैग में, ये देख सकते हैं सारी चीज़ें पैकिंग कर लिया है। बस अभी जो है टॉवल रखा हुआ हूँ यहाँ पे क्योंकि ये अभी तक सूखा नहीं है, तो जैसे ये सूखेगा और आधे घंटे बाद इसको भी डालूंगा, तो 9:30 बजे यहाँ से चेकआउट करूंगा और जो है मैं सामान वगैरह को यहीं पे छोड़ूंगा और घूमूंगा थोड़ा बहुत। उसके बाद तो रात को बहुत लेट है फ्लाइट, तो 8 बजे तक मैं फ्लाइट में पहुँच जाऊँगा। और अभी तो पूरा बारिश हो रही है बाहर में, ये देखो। नाउ आई एम रेडी टू लीव द रूम, तो अभी चलते हैं। सब कुछ हो चुका है पैकिंग, जूते वगैरह लगा लिया है, अंदर में कुछ तो नहीं रह गया है, तो देख लेते हैं कुछ सामान अमान तो नहीं छूटा है ना। बस सब कुछ हो चुका है पैकिंग, अभी चलते हैं। यहाँ पे यही लोग सफाई करेंगे, देखो बिस्तर कितना गंदा हो चुका है यार, तो चलो। अब यहाँ पे एक डब नारियल से अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है दोस्तों, एक मलाई वाले नारियल के साथ। तो अभी मैं जाऊँगा गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे जाके जो है मैं जाऊंगा एलिफेंटा केप। तो जाने से पहले सोच रहा हूँ एक दो जगह और घूम के चला जाता हूँ, तो एलिफेंटा केप पे ही मेरा सारा टाइम मतलब वहीं पे हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। मुंबई के रोड पे अकेले अकेले चल रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है तो इसलिए टैक्सी नहीं लिया मैंने, मैंने सोचा पैसे बचा लेता हूँ तो पैदल ही चल लिया। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं गेटवे ऑफ इंडिया में दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा देर यहाँ का व्यू का आनंद लेंगे, उसके बाद फेरी राइड के लिए हम टिकट वगैरह पता नहीं कहाँ से करते हैं, मैं पूछ लूँगा यहाँ पे किसी से, तो वहाँ से फेरी राइड के लिए मैं टिकट बुकिंग करूँगा और जाएंगे। मेरे हिसाब से इधर ही होता होगा, यहाँ पे जो है बोट वगैरह रेडी है। तो एलिफेंटा केव मुझे मेरे हिसाब से इधर में है कुछ ऐसे जाती है, मैंने देखा है वीडियोज़ वगैरह में। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत व्यू है आज, और मौसम ने भी साथ दे दिया, आज धूप दे रही है तो बहुत ही मज़ेदार आज। तो यहाँ पे जो टावर देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली जो है ताज टावर है। मुझे पहले में थोड़ा सा गलतफहमी हो गया था कि ये ओबेरॉय होटल है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये आपका साइड में ये वाला आपको जो है दिख जाएगा, ये है आपका ताज होटल, एंड सामने में ही आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिख जाएगा। काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं, देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं देखने के लिए। यहाँ पे जो है फेरी बिल्कुल रेडी है दोस्तों, तो यहीं से जाते हैं एलिफेंटा। तो आपको अगर टिकट चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा, 207 रुपया बोल रहे हैं आने जाने का। ये देखिए वाह, बहुत हिलती है यार, मुझे तो डर लगेगा ऊपर जाने के लिए, ऊपर बैठ के अगर जाने के लिए। बहुत देर वेट कर लिया दोस्तों और कस्टमर वगैरह नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा बायस डिसीजन मैंने देखा है। यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ के लोगों को मतलब जो इंडियन जैसे दिखते हैं उनको मतलब टिकट वगैरह दिया जा रहा था, और मुझे बार बार जो है मतलब इग्नोर किया जा रहा था। और वहाँ पे जो एक्चुअली उन्होंने मतलब एलिवेंटा का टिकट भी दिया है लोगों को, मैंने देखा है 260 रुपीज़ वाले, लेकिन वो बार बार डिनाई कर रहा था। तो हर जगह में जो है ऐसा बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंने बोला उनको, बट वो अपनी मनमानी वगैरह करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है रह के भी, इतनी गर्मी है तो राइड भी नहीं मिल रहा है मुझे। तो अभी मैं बाहर जाऊँगा थोड़ा सा, उस साइड में जो है ताज होटल की तरफ, उस साइड में जो है एक मस्त व्यू आती है सी व्यू, तो वहाँ पे देखूँगा। वैसे भी दिन भर कुछ करने को है नहीं है आज, पूरा दिन भर जो है घूमना ही है मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से आती है, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, साथ में समुंदर, समुंदर का पानी बहुत ही गंदा है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे बोट शिप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होती है पानी। अभी कहीं पे तो जाना नहीं है मुझे, बस थोड़ा सा जहाँ पे भी टाइम मिले वहाँ पे रेस्ट करूँगा, ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करता हूँ, समुंदर का नज़ारा लूँगा। और सामने में ताज होटल देख सकते हैं, इतना खूबसूरत ताज होटल है यार, इसमें किसी ना किसी दिन आऊँगा, रूम बुक करके यहीं पर सोऊँगा, एक ना एक दिन तो आएगा अपना टाइम ज़रूर आएगा। वैसे कितना होता होगा एक रात में, काफ़ी महंगा होता होगा यहाँ पर, फिर भी एक ज़माने में ज़रूर आएँगे हम लोग।
अभी यहाँ पे काफी देर रेस्ट कर लिया दोस्तों, और अभी मैंने कैब बुक किया है, जा रहा हूँ अभी सीधा चोर बाजार। तो वहाँ पे जाके अभी चोर बाजार को एक्सप्लोर करूंगा। एलिफेंटा केव्स के लिए काफी टाइम लगेगा, और इतना टाइम जो है मुझे घूमना फिरना मतलब बहुत थकान होगी, तो उससे अच्छा चोर बाजार पे जाता हूँ, वहाँ पे अच्छा कॉन्टेंट भी मिल जाएगा मुझे। अभी हम दोस्तों मरीन ड्राइव से होके जा रहे हैं चोर बाजार, यहीं पे आ गए और शायद 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मरीन ड्राइव में दोपहर में उतना लोग आते नहीं है, सुबह शाम ही आते हैं ज्यादातर। अभी कैब से उतर चुका हूँ दोस्तों, और मैं पहुँच चुका हूँ अभी चोर बाजार के इलाके में। तो यहाँ आगे 100 मीटर की दूरी पर से वहाँ से जो है शुरू होती है चोर बाजार। तो अभी फिलहाल जाता हूँ मैं, शायद जो है इस एरिया को भी चोर बाजार का ही इलाका माना जाता होगा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट गूगल मैप पे जो है दिखा रहा है कि और आगे 100 मीटर है। तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है, अगर सस्ती सस्ती आईफोन्स वगैरह मिलती है तो मैं आप लोग को ज़रूर से दिखाऊंगा। अभी जो है मैं गली से होके जा रहा हूँ, आगे में जो है गली है, तो वहाँ पे जो लेफ्ट साइड है दोस्तों, सॉरी राइट साइड है, वहीं से शुरू होती है चोर बाजार। एक गड़बड़ हो गया दोस्तों, एक्चुअली जो है इस इलाके को चोर बाजार तो कहते हैं, लेकिन जो मेन चोर बाजार है वहाँ पे नहीं, यहाँ से कुछ 800 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पैदल चलना पड़ेगा मुझे। तो एक भाई ने बताया, अभी जाते हैं यहाँ से, मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा फिर से। पैदल चलते चलते पूरा थक गया दोस्तों मैं, तो फाइनली पहुँच चुका हूँ। अभी मैं इन जिन गलियों में घूम रहा हूँ यही है एक्चुअल चोर बाजार। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं दुकानें वगैरह की एक्सप्लोरेशन करते हैं, अभी कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे अभी। चलिए अभी हमने पूछ लिया है दोस्तों कहाँ पे फ़ोन्स वगैरह मिलते हैं, तो ये जो छाता लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ़ोन्स वगैरह यहाँ पे है। अच्छा, ओ यहाँ पे पूरा फोन्स वगैरह है, देख सकते हैं बहुत सारे आईफोन्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आके एक चीज़ पता चला है दोस्तों कि यहाँ पे जो है फ्राइडे को ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, आज मेरा रिटर्न टिकट था तो मैंने सोचा मतलब जाने से पहले एक बार जो है एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फोन्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। ये कौन सा फोन है भैया? 14 प्रो कोरिया का। अच्छा, इसमें एप्पल का लोगो नहीं है? कम दिखता है वो। अच्छा, अंदर में एकदम सफेद सा, एकदम धुंधला सा आपको दिखने। ये कितने में आ जाएगा भैया? 12,000 में देख सकते हैं दोस्तों। ये 13 प्रो बोला है ना, 14 प्रो मैक्स। 14 प्रो मैक्स ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है प्राइस आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये में। और भी है यहाँ पे बहुत सारे पुराने फोन वगैरह है, ओप्पो के दिख जाएंगे, सैमसंग के दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो है काफी कम है दोस्तों, और भी आगे जाके देख लेते हैं, ऐसे ही आपको दुकानें मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे तो बहुत बच्चे अच्छे वाले हैं। ये फ़ोन का प्राइस कितना है? इतना है भैया? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये वाला फ़ोन कितने का है बोल रहा हूँ मैं? बेचने वाला नहीं तो दिखा के क्यों रखा है? शोअप के लिए? हाँ नहीं, मेरे को लेना है ना, तो पूछ रहा हूँ तो बताना चाहिए ना। आप बेचने के लिए रखे हो ना, इसे दिखाने के लिए रखे हो, तो ऐसे बोलो ना, पूछ रहा हूँ तो बताना चाहिए ना। या आप क्या, हमें क्या कहीं और से सोच रहे हो क्या? यहीं के हैं हम। अरे यही के, वीडियो अलाउड नहीं है भाई यहाँ पे। कहाँ का वीडियो अलाउड? दुनिया भर का यूट्यूब में मिल जाता है, आप सर्च कीजिए चोर बाजार, आपको देखने को मिल जाएंगे। कमाल करते हैं जी। अभी जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं, देखो साला यूट्यूब में भरपूर मिल जाएंगे वीडियोस वगैरह, यहाँ पे आके साला उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अभी हमें और आगे जाके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत गुस्सा दिला दिया साले ने, साला जो है वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। यूट्यूब में सारा हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, चोर बाजार के साला यहाँ पे आके दम मारता है। अभी और आगे, ओ एक्चुअली जो है उन्होंने बताया था मुझे जो है पीछे साइड में जाने के लिए, वहाँ पे एंटीक वगैरह की दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे जो है अभी लोग चालू हो चुके हैं, तो वीडियोस वगैरह ऐसे फ्री में बनाने नहीं देते, या तो पैसे मांगते हैं या फिर कहते हैं फ़ोन खरीदो उसके बाद वीडियो बनाओ, वरना नहीं देते। तो काफ़ी मतलब यूट्यूबर्स वगैरह आते हैं, तो उस कारण शायद उन लोग को भी मालूम हो चुका है कि यहाँ पे वीडियो बना के वो लोग पैसा कमाते हैं। तो ऐसा बोल रहा था, एक बोल रहा था कि आप तो वीडियो बना के पैसे कमाओगे, हमें क्या, हमें पैसे दो उसके बाद बनाओ, ऐसा बोल रहा था। तो ऐसी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगे। अभी चोर बाजार का दूसरा हिस्सा हम लोग जाके देख लेते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पे घूमते घूमते पूरा थक चुका हूँ मैं, तो एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ रहा है मुझे। बहुत गर्मी है आज, पूरा धूप तेज दे रही है ना, बहुत गर्मी है यहाँ पे।
यहाँ पे जो है काफी सारे गलियां आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मुझे लेने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सब जो है हमारे उधर में भी मिलते हैं ये घरेलू सामान वगैरह वगैरह। और क्या लेके जाऊं इधर से, मैं देखिए पूरा बर्तन वगैरह है, चाकू वगैरह है, यहाँ पे कप वगैरह है, तो क्या लेके जाऊं इधर से। चोर बाजार तो घूम लिया दोस्तों, मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ क्योंकि आज जो मार्केट एकदम सूखा सूखा है। तो फ्राइडे को अगर आप आना चाहते हो चोर बाजार तो आप फ्राइडे को आइए, यहाँ पे फ्राइडे को बहुत भीड़ भाड़ होती है और काफ़ी सारी चीज़ें फ्राइडे को ही लाते हैं, आईफोन्स वगैरह तो लैपटॉप वगैरह मतलब जितने भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप लेना चाहते हो कम दाम में। तो आईफोन मुझे जो है 10-12 हज़ार में मतलब देने को तैयार थे लेकिन मैंने नहीं लिया, तो मुझे लगता है वो असली वाले भी नहीं है क्या, उसमें लोगो भी ठीक से वगैरह से नहीं दिख रहा था। एंड अभी मैं जाऊँगा यहाँ से क्योंकि कुछ लेना नहीं है दोस्तों, यहाँ से क्या ही लूँ, सब कुछ तो हमारे उधर पे मिलता है। अगर बैग मंजिता के लिए ले जाता हूँ, उसका बैग फंस चुका है, तो यहाँ से इतना दूर से बैग मतलब काफ़ी ऑड लगेगा, तो वहीं से ख़रीद देंगे हम जितनी भी चीज़ें हैं। वैसे भी मेरा बैग पूरा फुल हो चुका है, तो यहाँ से अभी मैं टैक्सी पकड़ूँगा, टैक्सी पकड़ के जाऊँगा सीधा CST। यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट कर लिया मैंने, वेट करते करते पूरा थक गया धूप में, तो उसके बाद मैंने उबेर बुक कर लिया। अभी दोस्तों पूरा बाजार घूम लिया, तो जाने के लिए मुझे एकदम टैक्सी वगैरह नहीं मिल रहा था तो मैंने उबेर बुक किया एक, और इतनी ट्रैफिक जाम है ना, पूरा भीड़ भाड़ है, तो उबेर वाले को ढूंढना पूरा मुश्किल हो गया था, जैसे तैसे मिला। तो अभी जा रहे हैं, सीधा जाऊंगा स्टेशन की तरफ, रूम पे जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, उसके बाद जो है लंच करने के बाद धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ जाऊंगा मैं। फिर से लग गया जाम। अभी टैक्सी से भी उतर चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ CST। अभी थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है तो लंच करूँगा सबसे पहले, और मेरे जो कपड़े वगैरह बैग है ना वो रूम पे ही है, रूम पे नहीं है एक्चुअली, रूम को तो छोड़ दिया, तो उसके जो ऑफिस है वहाँ पे मैंने रख दिया है। और मेरा साथ एक और जाएगा तो उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा, जो छपूत भैया है वो भेज रहे हैं उधर से, तो वो बस लेके आ रहा है, उसको कम से कम 3-4 घंटा लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते, तो मेरे पास और 3-4 घंटा तक आराम से टाइम है, 10 बजे का फ्लाइट है, तो बहुत सारा टाइम है अपने पास, तो और क्या करूँगा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और क्या करूँ। अभी आया हूँ दोस्तों मैं सिनेमा हॉल पे मूवी देखने के लिए, सत्य प्रेम की कथा, तो यहाँ से अभी टिकट बुक कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे मूवी देखते देखते मैंने सोचा पॉपकॉर्न और कोक पी लूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका मुझे पे करना पड़ा 850 रुपये। अभी हमने मूवी भी देख लिया है दोस्तों, काफ़ी मस्त मूवी थी, कब टाइम चला गया पता नहीं चला, तो अच्छा खासा टाइम मतलब इसमें चला गया। और मूवी जो है क्या ही बताओ, बहुत इमोशनल थी, बहुत सारे ट्विस्ट वगैरह थे, बहुत मस्त फिल्म बनाई है सत्य प्रेम की कथा। आप लोग अगर नहीं देखे आप लोग ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही मस्त मूवी है। तो अभी मैं जाऊँगा होटल रूम पर जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा है, वहाँ पे अभी वेट करूँगा, वीडियो के एडिटिंग भी करूँगा क्योंकि रात को टाइम नहीं मिलेगा मुझे, फ्लाइट पे रहूँगा, तो अभी फिलहाल चाहते हैं थोड़ा सा फ्रेशअप भी हो लूँगा मैं। अभी रूम पे जाके भी आ गया दोस्तों, मैं अपना बैग ला रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, वहाँ से जाऊँगा मैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ। अभी पहुंच चुका हूं मैं बिले पार्ले रेलवे स्टेशन पे, तो यहां से मुझे टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा एयरपोर्ट तक, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अभी अभी फ्लाइट एक उड़की का इधर से मैंने देखा, तो 10:40 में है मेरा फ्लाइट, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा मुझे। यहां पे आया दोस्तों, एक भी ऑटो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा है पता नहीं क्यों, तो मैंने उबेर बुक कर लिया है, अभी उबेर वाला पहुँच चुका है, तो अभी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। कहाँ गया फिर उबेर वाला, ओह वहाँ पहुँचा, चलो आ गया। एक गड़बड़ हो गई दोस्तों, मैं आ गया टर्मिनल 2 पे, इंटरनेशनल वाले पे, मुझे जाना है डोमेस्टिक वाली पे टर्मिनल 1 पे, तो उबेर वाला ने गड़बड़ कर दिया, मुझे तो वहीं पे कलकत्ता वाली फ्लाइट है बोला था, फिर भी इंटरनेशनल वाले पे लोकेशन ही ऐसा आ गया था ना, तो अभी यहाँ से लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा मुझे और सीधा वहाँ से बस पकड़ के जाना पड़ेगा। अभी मुझे पकड़ना पड़ेगा शटल बस टर्मिनल 1 के लिए, यहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत दूर आ गया, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 बहुत दूर है, उसे मुझे पता था टर्मिनल 1 है बोल के, बट पूरा इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, आप अगर उबेर पे डालते हो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यही दिखा देता है। चलो अभी क्या ही कर सकते हैं,
अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ दोस्तों, एंड यहाँ पे आके मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है, बोर्डिंग मतलब बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ हो चुका है। एंड यहाँ पे मुझे भूख लग रहा था तो कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर दिया है मैंने, और गेस व्हाट, 800 रुपये कॉफ़ी और सैंडविच। आज दिन भर भूखा हूँ मैं, कुछ खाया नहीं हूँ, बस मतलब चावल वगैरह नहीं खाया, वैसे कुछ कुछ ना तो खाते रह रहा हूँ, बट भूख लग रहा है तो खाना ही पड़ेगा। 800 रुपये दोस्तों, हमारे घर पर पूरा पार्टी हो जाती है 800 रुपये में, तो अभी फिर भी नो ऑप्शन। और यहाँ पे ये मिल गए, आपका नाम क्या था? अरिफ। अच्छा, ये मिल गए सब्सक्राइबर, और दोनों का सेम फ्लाइट है। आप भी डिब्रूगढ़ तक ना? मैं ना सिलचर तक। अच्छा, कोलकाता से डिवाइड होगा ना हम लोग का। अच्छा, मिल के अच्छा लगा। आप पे आ चुका है मेरा 800 रुपये का कॉफ़ी और सैंडविच, ये देखिए दोस्तों, घर पे पूरा पार्टी हो जाती मस्त चकाचक मेरा। अभी बैग वगैरह सब कुछ चेकिंग हो चुका है दोस्तों, और वेट कर रहे हैं अभी, और ज़्यादा टाइम नहीं है, 20-25 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्त भी मिल चुका है, तो छपुत भैया के जो मेहमान हैं, तो अभी दोनों ही साथ में जाएंगे, और एक जो सब्सक्राइबर मिला है वो भी साथ में, हम लोग जो है कलकत्ता तक जाएंगे, ये तो हमारे साथ डायरेक्ट डिब्रूगढ़ तक, तो साथ में जाएंगे, और पम्पमुआ मुझे लेने आएगा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर कल सुबह। तो अभी वेट करना ही है बस, कुछ नहीं करना, और वीडियो वगैरह यहीं पे एडिट कर रहा हूँ मैं, तो आज का ब्लॉग जो है यहीं पे मैं एंड करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अभी वीडियो को एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा मुझे, तो कलकत्ता पहुँचते पहुँचते शायद वहाँ पे अपलोड करूँगा, फ्लाइट में तो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो मिलते हैं कल, कल जो है मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है घर जा रहा हूँ ना, घर का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ, तो बाय बाय, मिलते हैं कल घर पर।